तो दोस्तों आज आखिरकार इतने दिनों के बाद आप लोग कमेंट कर रहे थे कि व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना ही लेते हैं। और साथ मेरे पास एक नई चीज भी आ गई है, वहां पर तो आई एल्सा बोली जा रही है, एल्सा नो। तो दोस्तों मामू वहां पर खड़े हुए हैं मम्मा के साथ, मामू कह रहे हैं ये ना बोला। अच्छा था मामू को छोड़े, मैंने नहीं आने दूंगा अच्छी चीज है, मतलब जो सरप्राइज आप लोगों के लिए है वो है कुक, कुक का बच्चा, मतलब हैन का बच्चा, मुर्गी का बच्चा। मामू वहाँ पर जा रहे यार बेस्ती तो इतना भरा, मेरे दोस्त ने मुझे फ्री कर दिया, इतना भरा ब्लैक कलर का मुर्गा है। मैं आप लोगों को पकड़ के दिखाता हूँ, मतलब नॉर्मल साइज का है, बीच वाले साइज का। मैं आप लोगों को पकड़ के दिखाता हूँ, बहुत बड़ा, चला के पकड़ा नहीं जाता। तो दोस्तों ये देखें, अभी ये थोड़ा सा बाहर आया था, मैंने इसको ड्रामा देख के मामू करना था और मैं इसको पकड़ लूं। हुए 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 गाइस, शूटर को देखेगा, शूटर को देखो, पकड़ लेते गाइस। सिस्टम है और मैंने इसका नाम है रखा शेरू, जैसे शेरू, जैसे हम शेरू। गाइस मुझे जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा और सपोर्ट करें ताकि मेरे 5 लाख हो, फिर 1 से भी ज्यादा 1 मिलियन हो। तो दोस्तों मेरा मूड खराब हो गया यार। कितना छोटा सा, कितना छोटा सा वाइट है, और यहाँ पर भी वही सीन है। आओ तो मम्मा गाइस ये देखें, ये पर वाइट, इसका मैं शेरू का पर टूट गया कहीं, पता नहीं कैसे ये। गाइस रोकी तो मेरा अफसोस कर रहा है पर टूटने का, रोकी तो अफसोस कर रहे हो। गाइस मुर्गी कह रही है कि हाँ मुर्गा है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुर्गी नहीं है। गाइस वहाँ पर ऐसा बोली जा रही है, मुझे गुस्सा चल रहा है, दिल तो कर रहा है उसका, कर दूँ मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अब दोस्तों आज का व्लॉग इधर तक नहीं था, आज के व्लॉग को इधर तक नहीं एंड करते, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। आधी इधर आओ, तू आप वहाँ पर आराम से बैठ गया, गर्मी में बैठ पकड़ो ना। वो एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने इसकी एक चीज देखनी है, फिर पकड़ लेना मैं। वो जो मुर्गों के कील होते हैं ना गाय, कील वो जो ऐसे निकलते हैं जब लड़ाई करवानी हो, वो मैं इसके देख रहा हूँ।
एक तो उसका बिल्कुल छोटा सा और एक दूसरा थोड़ा सा बड़ा है। तो मम्मा के ना गाइस आप लोग दुआ करें कि मेरी मम्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरी मम्मा ना सीन में मम्मा ना वो चीज़ें उठा रही थी तो पैकेट बहुत ज़्यादा भारी था, मम्मा ने उठाया, मम्मा के पीछे कमर में ना खींच पड़ गई थी, खींच पड़ गई थी। तो आप लोग जल्दी से जल्द दुआ करेंगे मेरी मम्मा ठीक हो जाए। मेरी मम्मा को ब्लॉग बनाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मम्मा फिर भी मैं और मम्मा फिर भी इतनी मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने में। और आप प्लीज़ 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 मेरी मम्मा को के लिए दुआ करना कि मेरी मम्मा ठीक हो जाए। और मेरे शेरू आपने तो कही है ना दुआ करना कि मेरी मम्मा जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। जब मेरी मम्मा को ऐसे लगी थी तब मैं दो तीन घंटे रोता रहा था, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरी मम्मा को जो चोट लगती है उसका रोने वाला मैं होता हूँ, क्योंकि मुझे मम्मा का बहुत ख्याल होता है। इधर आ गई आप आए गाइस, वो जो जिस लड़के ने आए बोला था ना वो लड़के का मुझे पूरा गाना वो मतलब मीम वो उस लड़के ने ना एक वो जो इंटरव्यू लेते हैं ना वो बैंगन वाला बैंगन वो वाला एक ना इंटरव्यू वाले अंकल आए उससे पूछा स्कूल पर क्या, वो कहता हाँ कौन सी क्लास में हो, वो कहता 3। तो वो अंकल पूछता के कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, वो कहता आए वो कहता बैंगन, वो कहता बैंगन 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 को सब्जेक्ट कहता बैंगन, वो बाबा सब्जेक्ट को बैंगन कहता, मेरा बैंगन निकलने वाला, बस को खिला देते हैं। अरे ना कर जान काट लिया बहुत से, गाइस ये देखिए इसके सामने छोड़ मार वो तो डर गया है कितने नुकीले हैं। तो आज का व्लॉग इधर तक ही था, आज के व्लॉग को इधर तक एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना और ना भूलना। अल्लाह हाफिज़। और लाइक तो भी शेयर भी।